जुरबख्श साहब, विटामिन सी क्या है? केमिकल नेम एस्कोर्बिक एसिड है, एस्कोर्बिक एसिड। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी? साइट्रस फूड है, वेजिटेबल्स एंड लिवर्स, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास साइट्रस फूड से मिल जाता है, सही है विटामिन सी। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन सी, किसमें क्या क्या है, ओ एच ग्रुप कितने हैं और एच मॉलिक्यूल कितना है, वो आप लोगों ने सीखा होगा। विटामिन सी जो है फंक्शन क्या, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जहरीलापन के खिलाफ काम करते हैं, विच हेल्प्स टू हीट, और इसके अलावा जो कोई जरासीम वगैरह इसको खत्म करने की कोशिश करता है, इसके वजह से हील डो वोंट वोंट्स को, जख्म वगैरह को हील करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा विटामिन सी का अहम किरदार ये कि कोलेस्ट्रॉल को, बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो इससे इट्स इफेक्टिव फॉर कार्डिक पेशेंट, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। किसी जमाने में कोविड में हम विटामिन सी ही देते थे, इसका काम क्या था, टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम, और ये खास तौर पर कार्डिक डिजीज के लिए भी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये बेड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल वगैरह को कम कर देते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर बाय प्रिवेंटिंग फ्री रेडिकल्स, ये कैंसर से बचा देता है रेडिकल, फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करने की बदौलत, और इसके अलावा टूथ फॉर्मेशन में अहम किरदार होता है, और ब्लीड वगैरह से भी बचा देता है, ब्लीडिंग वगैरह से, क्योंकि विटामिन सी का इसमें भी काम है। इम्प्रॉपर वोन हीलिंग होगी जब इसकी डिफिशेंसी होगी, टूथ वगैरह दांत वगैरह क्या होंगे, लूज होंगे, गिरने का खदशा हो सकता है, ब्लीडिंग भी करेगा, और स्वेलिंग गम्स होंगे, और मसल वीकनेस होगी, और इसमें जमाने में एक डिजीज थी जिसको हम स्कर्वी कहते थे, और इसकी वजह ये थी कि वो क्या था, इस पे तकरीबन किस जमाने में जैसे कोविड से इतने अमवात हुए थे, इसी तरह किस जमाने में विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से भी ये थे, क्योंकि एक समंदरी एक रिसर्चर था जिसने क्या था, एक समंदर पे लोग होते थे उसको ये स्कर्वी डिजीज होती थी, कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था, लेकिन उन लोगों ने जब फाइंड आउट किया, रिसर्च कर दिया कि जो हमारे पास स्टोर फूड होते, जहाज में जो स्टोर फूड होते वो फ्रेश नहीं होते, उस नॉन फ्रेश फूड की वजह से उसमें विटामिन सी की कमी थी उस गजाइयत में, तो इसलिए उन लोगों में एक बीमारी का स्टार्ट एक बीमारी स्टार्ट हो गई थी जिसको हम स्कर्वी कहते थे, तो इस वक्त से ये स्टार्ट हो गई, सही है। आजकल तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसेप्ट ऑफ विटामिन सी जो है कि जमाने में इससे बहुत तबाहकारियां की है। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि स्कर्वी की क्या हिस्ट्री है, आई विल शेयर द वीडियो, और आप लोगों को एक शॉर्टकट क्लिप में आप लोग वो देख लीजिए, स्कर्वी का हिस्ट्री क्या है आप लोग देख सकोगे, सही है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटामिन क्या है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं हमारे पास, सोर्सेस क्या है, प्लांट सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स हो सकते हैं, पोर्स ऑन आउट यानी बी12 एंड लिवर, और फैट सोलेबल में हमारे पास, एनिमल सोर्स में हमारे पास कौन कौन से, एग है, लीन एंड ऑर्गन मीट्स, फिश ऑयल्स वगैरह, और जबकि के आल्सो यानी विटामिन के आल्सो फाउंड इन प्लांट्स, डी सिंथेसाइज बाय कोलेस्ट्रॉल एंड स्किन, ये पाए जाते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या है, लाइक वाटर सोलेबल सब्सटेंस एंड पोर्टल ब्लड, बी12 नीड्स एंड ट्रेंसिक फैक्टर के लिए अहम किरदार होता है इसका, यानी क्लोटिंग में भी इसका अहम किरदार होता है, थ्रो मेसिल्स एंड टू लैक्टील्स, ये इसके अलावा हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड भी करते हैं, फ्री डिजोल्व इन प्लाज्मा, बी12 विद कैरियर ट्रांसकोबालमिन, सही है, एंड लिपो प्रोटीन में भी इसका अहम किरदार होता है, स्टोरेज जो है ये स्टोर नहीं होते लेकिन बी12 स्टोर इन लीवर, ये वाहिद विटामिन है जो स्टोर हो सकता है लीवर में, एक्सक्रीशन जो है इन यूरिन हो सकता है ये, और जबकि इन बाइल थ्रो फीसेस जो है हो सकता है। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं मिनरल्स, मिनरल्स किसे कहते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स आर प्रेजेंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन द डाइट, एटलीस्ट 0.0% ऑफ द बॉडी वेट, 5 ग्राम इन अ 60 kg मेन के लिए होना चाहिए, आर रिक्वायर्ड मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे इसकी जरूरत होती है इस मैक्रो मिनरल्स की। और मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से, कैल्शियम है, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम एंड सल्फर, इसमें से कोई एक कम हो जाए तो जिस्म जो है वो स्टेबलाइज बैलेंस नहीं रहते। मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स आर प्रेजेंट
are required in smaller amounts in the diet. कुछ जो है हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, जो आपकी थायरोक्सिन में अहम किरदार होता है. आयरन, आयरन का काम क्या होता है, आपकी क्या बोलते हैं, आपके आरबीसी को बिल्डअप करने में मददगार होता है. मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, सिलीनियम और जिंक वगैरह, जिंक वगैरह भी अहम किरदार होता है इसका. ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज रिक्वायर स्पेसिफिक बाइंडिंग टू कैरियर प्रोटीन. इसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्ट और स्टोर स्टोरेज के लिए क्या है, स्पेसिफिक बाइंडिंग की जरूरत होती है फॉर द कैरियर ऑफ प्रोटीन के लिए. जैसे ट्रांसफेरिन जो है वो किस लिए यूज होती है, यानी हर एक मिनरल्स के लिए खास किस्म के ट्रांसपोर्टर की नीड होती है, वो ट्रांस बाइंड करके ये ही फिर ट्रांसपोर्ट हो सकती है. जैसे फेरस, क्रेटिनिन, मैंगनीज, जिंक के लिए ट्रांसफेरिन एज अ कैरियर के तौर पर, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम करते हैं. जिंक और कॉपर के लिए कौन है, अल्बुमिन है. एमाइनो एसिड जो कॉपर और एफ ई यानी आयरन के लिए है, जबकि ट्रांस कोबाल्मीन जो है कोबाल्ट के लिए है, कॉपर मोनोऑक्साइड के लिए. और ग्लोबुलिन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, किसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो है रिस्पॉन्सिबल है मैंगनीज के लिए. सही है. नॉर्मल रूट्स ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स, इसके लिए नॉर्मल रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, बाइल, जैसे हमारे पास नॉर्मल रूट्स ऑफ एक्सक्रेशन जो है बाइल जो है वो क्या है, बाइल में क्या क्या एक्सक्रीट हो सकते हैं, सी यू, मैंगनीज, क्रेटिनिन, जिंक, यूरिन में कोबाल्ट, क्रेटिनिन जो है यूरिन में आउट हो सकते हैं. सही है. एमओ और जेड एन ये देख लेना. पेंक्रियाटिक जूस में हमारे पास जिंक है और स्वीट में भी जिंक, ये एक्सपेल आउट, एक्सक्रीट आउट हो जाता है. सही है. ये मिनरल्स फंक्शन क्या है, आर कंस्टिट्यूट ऑफ बोन एंड टीथ, ये कौन है हमारे पास, ये किसका फंक्शन है, ये मिनरल्स का फंक्शन है जो क्या है, बोन्स और टीथ में, टीथ के फॉर्मेशन में अहम किरदार होता है इसका. जबकि दूसरा क्या है, कंट्रोल द आयोनिक कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, की आयोनिक कंपोजिशन को बरकरार रखता है. सही है. कौन हमारे पास, यही मिनरल्स. सही है. आयोनिक में जैसे हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, ये इसको क्या कहते हैं, बरकरार रखता है. तीसरा क्या, ऑनको इनकॉर्पोरेट इनटू एंजाइम एंड प्रोटीन के साथ मिलके इसके काम को आसान बना देता है. कैल्शियम, एडल्ट बॉडी कंटेन्स 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम पाए जाते हैं. फंक्शन क्या है, डिपोजिट इन सॉफ्ट टिश्यूज टू हार्डन देम, सॉफ्ट टिश्यू में ये डिपोजिट होके इसको हार्ड कर लेते हैं. कंट्रोल हार्ट एक्शन को कंट्रोल कर देता है. स्केलेटल मसल और एक्सेसिविटी और नर्व्स को क्या करता है, बेहतर बना देता है. हैज रूल इन ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका अहम किरदार होता है. किसका, कैल्शियम का. फैसिलिटेट बाय विटामिन डी, रिड्यूस बाय फाइटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, इसको रिड्यूस कर सकता है. किसको, कैल्शियम को. सोर्सेज क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फिश, लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं. रिक्वायरमेंट क्या है, 500 मिलीग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की नीड होती है. एक्सक्रीटेड जो है यूरिन और फीसिस में एक्सक्रीट हो जाती है. अगर कैल्शियम की डिफिशेंसी हो जाए, जिसकी वजह से रैकेट्स हो जाते हैं चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमलेशिया जो है वो क्या है, एडल्ट में हो जाता है. फास्फोरस क्या है, कंबाइंड विद कैल्शियम टू फॉर्म द बोन एंड टीथ, ये भी बोन और टीथ में कैल्शियम के साथ मिलकर बना देता है. एसेंशियल सेल कंपोनेंट, फास्फोलिपिड का कंपोनेंट है. मेंटेन एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है. रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से एनर्जी रिलीज करता है. कौन, यही फास्फोरस. असिस्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ सोल्युबल साल्ट. सोर्सेज क्या, मीट, एग, डेयरी, फिश, सीरियल्स में पाया जाता है. डिफिशियंसी टीथ डिके हो सकता है. किसकी कमी की वजह से, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस. आयरन क्या है, इसका फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में अहम किरदार होता है और ये एंजाइम का कंस्टिट्यूट है. सोर्सेज लिवर, बोन मैरो, इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन में पाए जाते हैं. एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट बाय, इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, एस्कॉर्बिक एसिड कर सकता है. और फाइटिक एसिड और लैक ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन इसको इनहिबिट कराता है, इसके एब्जॉर्प्शन को. सोर्सेज क्या है इसके, आयरन की, मीट, एग, लीवर, किडनी, ड्राइड फ्रूट्स, फ्लोर, ब्रेड, लीफ, वेजिटेबल में पाए जाते हैं. रिक्वायरमेंट 10 to 15 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है. टू रिप्लेस लूज फ्रॉम यूरिन, ब्लीडिंग एंड मेंस्ट्रुएशन, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ व्हाट एडिशनल हेमोग्लोबिन एंड लैक्टेशन डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया करा देता है. सोडियम क्या है चीप केटाइंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का है प्ले पार्ट एंड फ्लूइड एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड टिश्यू. सही है. और ये डिप्लोराइजेशन कार्डिक डिप्लोराइजेशन भी करा देता है और पेशेंट को ओरिएंट रखता है. साल्ट एग मीट फिश और चीज में पाया जाता है और एक्सेस की वजह से सोडियम की ज्यादा की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है. सही है. और डिफिशियंसी फटीग मसल क्रैम्प्स और डिसोरिएंटेशन हो सकते हैं. पोटेशियम किसे कहते हैं अटैक ये कम्प्लीमेंट्स अपडेट सोडियम का कम्प्लीमेंट्स है. चीप केटाइन्स ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड का है और ये कार्डिक को रिदम में रखता है और ये एसिड बेस बैलेंस में भी अहम किरदार होता है. ये किस किस चीज में पाया जाता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स और कॉफी में भी पोटेशियम पाया जाता है. अगर ये ज्यादा हो जाए तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है और कम हो जाए फिर भी प्रॉब्लम हो सकते हैं कार्डिक प्रॉब्लम करा सकते हैं कोज मसल पैरालिसिस करा सकते हैं जब इसकी डिफिशियंसी हो जाए. आयोडीन जो है ये थायराइड हार्मोन की में बना देता है रिसीविंग अ सिग्नल फ्रॉम द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. व्हेन ब्लड लेवल्स ऑफ टीएसएच राइज द थायराइड ग्लैंड यूज आयोडीन टू मेक थायराइड हार्मोन. ये क्या करते हैं थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन को यूज करता है थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन की. सोर्सेज क्या वेजिटेबल्स सी फूड केबेज टर्निप. सो डिफिशियंसी का गोइटर क्रिएटिनिज्म इन चिल्ड्रन में हो सकते हैं जैसे ड्वार्फिज्म होता है तो क्रिएटिनिज्म बच्चों की बीमारी इसमें शॉर्ट होता है बच्चे. सही है. फ्लोरीन फ्लोरीन जो है वो हमारे टीथ और स्केलेटन में पाया जाता है फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट जो होते हैं. सोर्सेज वाटर टी और सी फूड हो सकते हैं. फंक्शन प्रिवेंट डेंटल कैरीज. सही है. इंटेक कॉज ऑफ डिसकलरेशन ऑफ द टीथ. एक्सेसिव इंटेक होगा तो फिर क्या होगा डिसकलरेशन ऑफ द टीथ होगा. अदर मिनरल्स में क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड डिफिशियंसी कॉज वॉमिटिंग होगा. अगर इसके कमी हो जाए तो फिर क्या होगा वॉमिटिंग हो सकती है. मैग्नीशियम एसेंशियल एलिमेंट है डिफिशियंसी ऑकर इन सम डिजीज में हो सकते हैं. मैग्नीशियम हम कार्डिक डिजीज में भी देते हैं मैग्नीशियम. सही है. कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अच्छा बेहतर बनाता है. कॉपर जो है इम्प्रूव एनीमिया करा सकता है एनीमिया से बचाव करा सकता है. जिंक या डिफिशियंसी कॉज ग्रोथ फेलियर और फोर वोन हीलिंग हो सकता है. कोबाल्ट जो है विटामिन बी ट्वेल्व नेसेसरी फॉर आरबीसी डेवलपमेंट के लिए होता है. और इसके साथ ये बुक है और क्लास जो है डिसमिस हो जाता है.